Good morning class, this is our new pharmacology class in which today we will study about the drugs used in treatment of gout. This is another topic of autoimmunes and respiratory system. देखिए एक्चुअली गाउट क्या है, ये एक्यूट आर्थराइटिस का एक ट्रांजिएंट अटैक है जिसमें मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स बन जाते हैं जॉइंट्स में और जॉइंट्स के चारों तरफ यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स एक्चुअली बन जाते हैं जैसा इस चार्ट के अंदर दिखाया गया है। ये किडनी में भी डिपॉजिट हो सकते हैं और सब क्यूटेनस टिश्यू यानी टोफाई के अंदर भी डिपॉजिट हो सकते हैं। और हाइपर यूरिसीमिया इसमें हमेशा देखने को मिला क्योंकि यूरिक एसिड यूरिन के अंदर पास आउट होने लग जाते हैं। तो आप इस चार्ट को भी देखे दे सकते हैं, हाइपर यूरिसीमिया, यूरेट्स के क्रिस्टल्स जॉइंट्स के अंदर गए हैं, मैक्रोफाज से इसका फैगोसाइटोसिस होता है जिससे कि इंटरल्यूकिन और साइटोकाइन रिलीज होते हैं जॉइंट्स के अंदर। देखिए कार्टिलेज और साइनोवियम के अंदर दिखाया गया प्रोटीज को रिलीज़ करेंगे तो ये जॉइंट्स के अंदर ऐसी कंडीशन चल रही है। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट को ये एक्टिवेट करते हैं, न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस होता है क्रिस्टल्स का, न्यूट्रोफिल्स के द्वारा फैगोसाइटोसिस हो जाता है, वहाँ पर मैक्रोफाज के द्वारा हुआ, यहाँ न्यूट्रोफिल्स के द्वारा इसका फैगोसाइटोसिस हो रहा है। ये न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो फिर इन न्यूट्रोफिल्स का लाइसिस हो जाता है और ये कई LTB4 प्रोस्टाग्लैंडिन फ्री रेडिकल्स जैसी चीज़ों को रिलीज़ कर रहे होते हैं जिससे कि टिश्यू इंजरी और इन्फ्लामेशन हो जाता है या फिर लाइसोजोमल एंजाइम जो न्यूट्रोफिल के लाइसिस रिलीज हुए थे उनकी वजह से टिश्यू इंजरी या इन्फ्लामेशन हो जाता है हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अंदर। अब ड्रग्स कौन कौन सी यूज़फुल हैं गाउट के लिए, तो सबसे पहले हमारे गाउट की कंडीशन में इन्फ्लामेशन और पेन को ठीक करना होता है तो आप नेसर्स दे सकते हो, कॉल्चिसिन दे सकते हो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे सकते हैं। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को प्रिवेंट करने के लिए नेसर्स और कॉल्चिसिन दे सकते हो। यूरेट फॉर्मेशन को रोकना है क्योंकि यूरेट जो है वो डिपॉजिट होएगा जॉइंट्स वगैरह में तो एलोप्यूरिनॉल और फेबिक्सोस्टेट दे सकते हो। ऑगमेंट यूरेट का एक्सक्रीशन आपको रोकना है यूरिन के अंदर तो आप प्रोबनेसिड दे सकते हैं। इसके अलावा गाउट दो तरह के होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। तो एक्यूट में नेसर्स, कॉल्चिसिंस और कॉर्टिकोस्टीरॉइड जैसे प्रेडनिसोलोन देते हैं अपन, नेसर्स में डाइक्लोफेनिक वगैरह, इंडोमेथासिन वगैरह दे सकते हो। क्रॉनिक गाउट हुआ है तो यूरिकॉस यूरिक हमें देने जैसे प्रोबनेसिड वगैरह, उसके इनहिबिशन को रोकना है तो एलोप्यूरिनॉल दे सकते हो। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना है तो पेग्लोटिकेस दे सकते हो। तो ये मेडिसिंस बताई गई हैं। अब इनमें सबसे पहले कॉल्चिसिन एक एल्कलॉइड है जो कि सी ऑटोमैमनेल के द्वारा हमारे को मिल रहा होता है। ये गाउटी इन्फ्लामेशन को सप्रेस कर देता है, फास्ट एक्टिंग नेसर्स है ये, 6 से 12 घंटे तक ये अटैक को कंट्रोल करके रखता है और 3 से 5 दिन में कंप्लीट रिजोल्यूशन हो जाता है। ये इसकी टॉक्सिटी, कॉल्चिसिन की टॉक्सिटी नेसर के कंपैरिजन में ज़्यादा है जबकि एक्शन भी इसका नेसर के कंपैरिजन ज़्यादा तो टॉक्सिटी भी ज़्यादा है इस प्लांट से मिलती जो फोटो बनी हुई है। ये क्या करता है कॉल्चिसिन एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन और कीमोटैक्टिक फैक्टर्स जो हैं उनको, उनके रिलीज को ये रोक देता है। फिब्रिलर प्रोटीन से बाइंड होता है, ग्रेन्युलोसाइट को भी इनहिबिट कर देता है जॉइंट्स में जाने से। तो एमनियोटिक एक्शन पर भी इसका एमाइटोटिक एक्शन पर भी इसका रोल होता है और ये गट की मोटिलिटी को बढ़ा देता है। ये चार्ट बताया गया है कैसे ये अपना एक्शन दिखा रहा है जो हमने पहले बनाया था। फार्माकोकाइनेटिक ये ओरली रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाएगा, लीवर में मेटाबोलाइज होकर के बाइल में एक्सक्रीट हो जाता है, पार्टली ही मेटाबोलाइज होता है इसलिए बाइल में एक्सक्रीट होता है, हिपैटिक सर्कुलेशन में जाएगा तो इसको लंबा समय लगता है एलिमिनेट होने में। इसके अलावा आइसोएंजाइम CYP3A4 के द्वारा जो है ये मेटाबोलाइज हो जाता है, यूरिन और फीसेस में एक्सक्रीट होता है। रीनल इम्पेयरमेंट किसी को हो तो डोज का रिडक्शन हमें करना चाहिए। एडवर्स इफेक्ट क्या हैं, कुछ लिमिटिंग साइड इफेक्ट जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन और डायरिया है। ज़्यादा अगर आपने इसको ले ली है तो ये मायोपैथी, मसल्स की प्रॉब्लम, न्यूट्रोपिनिया, न्यूट्रोफिल का नंबर कम हो जाता है, एप्लास्टिक एनीमिया और एलोपेशिया, गंजापन देखने को मिलता है।
ओवरडोज अगर ले ली है तो ये किडनी डैमेज कॉज करेगा, सीएनएस को डिप्रेस कर देता है, इंटेस्टाइन से ब्लीडिंग कॉज करवाता है, डेथ हो सकती है क्योंकि ये मस्कुलर पैरालिसिस कर देता है, रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो जाती है तो डेथ भी कॉज हो सकती है। 7 से 10 mg की डोज भी इसकी फेटल होती है, जानलेवा साबित हो जाती है, इसलिए ये बहुत कम डोज में लिया जाता है। कॉल्चिसन का यूज़ गाउट के अटैक को ख़त्म करने के लिए, अबॉर्ट करने के लिए 0.5 से 1.5 mg ही देते हैं मात्र, क्योंकि यहाँ पर हमने बोला ना कि 7 से 10 mg तक तो ये फेटल ही हो जाती है सीधी, तो 0.5 से 1.5 mg। या फिर गाउट का एक्यूट अटैक आया तो उसको कंट्रोल करने के लिए सेकेंड लाइन की ड्रग है, फास्टेस्ट एक्टिंग है, 0.5 mg से 0.5 mg ही दोगे उसमें केवल, 1 से 3 घंटे में ये अपना असर दिखाएगी, 1 दिन में 4 डोज आप इसलिए दे सकते हो, मैक्सिमम डोज केवल 6 mg तक ही दे सकते हो 3-4 दिनों तक। मेंटेनेंस डोज इसकी 0.5 से 1 mg पर डे होती है, 4 से 8 हफ्ते तक अपन को देनी है। नेक्स्ट मेडिसिन है प्रोबनेसिड, ये यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को बढ़ा दे, क्योंकि यूरिक एसिड बनता जा रहा है तो वो बना हुआ हमारे जॉइंट्स में इकट्ठा ना हो, सीधा यूरिन साथ निकल जाए, तो उसके लिए अपने प्रोबनेसिड दे सकते हैं क्योंकि ये यूरेट के ट्रांसपोर्टेशन को ब्लॉक कर देती है। इसके अलावा यूरिक एसिड का किडनी में रीअब्जॉर्प्शन भी इसमें प्रीडोमिनेंटली देखने को मिल रहा होता है, तो उसको रोकने का काम ये दवाई कर रही होती है, ब्लॉक करने का काम करती है, एक्सक्रीशन को बढ़ाती है, ब्लड यूरेट का लेवल जो है वो कम हो जाता है, इसी वजह से यूरिन में बढ़ जाएगा, ब्लड में कम हो जाएगा। इसका इंटरेक्शन यूरिनरी एक्सक्रीशन को इनहिबिट्स यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ इंडोमिथासिन, नेप्रोक्सेम, पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड्स और मीथोट्रेक्साट, ये दवाइयाँ अगर दे रही हो तो यूरिन में एक्सक्रीशन इसका रुक जाता है। बिलरी एक्सक्रीशन भी रिफाम्पिसिन का इसकी वजह से रुक जाता है, नाइट्रोफ्यूरोनेशन से ट्यूबुलर एक्सक्रीशन रुक जाता है, प्रोबनेसिड का एक्शन जो है वो डिक्रीज हो सकता है पाराजिनामाइड से, इथामब्यूटोल और एस्पिरिन वगैरह से, तो उनके साथ में नहीं देनी चाहिए। इंडिकेशन क्रॉनिक गाउट या हाइपर यूरिसीमिया, यानी ब्लड में यूरिक एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो ये मेडिसिन अपन दे सकते हैं, सेकेंड लाइन की ड्रग है ये, 0.25 mg ट्वाइस दे सकते हैं डेली, या फिर 0.5 mg भी आप दे सकते हैं। कॉल्चिसन नासर्स कवर नीडेड जो है वो ये इसको इनकी आवश्यकता होती है इसको कवर करने के लिए। पेनिसिलिन का एक्शन ये प्रोलॉन्ग कर देती है, अगर अपन चाहते हैं तो अपन ये दे सकते हैं। गोनोरिया इन्फेक्शन है भाई, नाइजीरिया गोनोरी का, तो गोनोरिया का इन्फेक्शन किसी को हुआ हो, या सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, इसमें क्या ये हार्ट की एंडोकार्डियम का इन्फेक्शन है, फेरिंग्स के इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकाइन इन्फेक्शन फेरिंग्स में हो जाता है जिसकी वजह से ये एंडोकार्डाइटिस देखने को मिलता है, तो इसको अपन सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। किसकी वजह से हो रहा है, स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप बी बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से देखने को मिल रहा होता है। इसके अलावा ये साइडोफ्लोविर की वजह से होने वाले नेफ्रोटॉक्सिसिटी को भी कम करता है, और राइनाइटिस में भी ये मेडिसिन दी जा सकती है। प्रोबनेसिड एडवर्स इफेक्ट वेल टॉलरेटेड है ये, वैसे इस वेल टॉलरेशन हो जाता है इसकी वजह से, डिस्पेप्सिया कॉज हो जाता है, इसलिए किसी को पेप्टिक अल्सर की डिजीज़ है तो उसमें आपको ध्यान रखना है, रैशेज ये कॉज कर देता है, ओवर अदर हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन भी इसमें दिखाई देती हैं। रीनल इनसफिशिएंसी किसी को है या किडनी स्टोन है तो ये ड्रग हमारे को अवॉइड करनी चाहिए, और इस ड्रग के साथ हमें कहना चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा पानी पीते रहना है, लिक्विड डाइट लेनी है। नेक्स्ट है एलोप्यूरिनॉल, ये ग्जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को का सबस्ट्रेट है, ये उसको इनहिबिटर भी है, उसका सबस्ट्रेट भी है, उसका इनहिबिटर भी है। एलोप्यूरिनॉल से एलोक्सैंथिन बनता है, शॉर्ट एक्टिंग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के द्वारा ग्जैंथिन ऑक्सीडेज ये चीज़ें करवा रहा होता है। इसके अलावा यूरिक प्यूरिन से हाइपोग्जैंथिन से ग्जैंथिन से यूरिक एसिड का ये जो प्रोसेस होता है उसमें भी ग्जैंथिन ऑक्सीडेज का रोल होता है, तो एक ग्जैंथिन ऑक्सीडेज का दोनों में रोल बताया गया है। ये लॉन्ग एक्टिंग नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है क्योंकि ये दोनों ग्जैंथिन ऑक्सीडेज के लिए फाइट कर रही हैं, यूरिक एसिड और एलोप्यूरिनॉल, तो ये ग्जैंथिन ऑक्सीडेज जो है वो एलोप्यूरिनॉल के ऊपर एक्ट कर जाएगा बजाय ये यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड हमारे अंदर बन नहीं पाता, रुक जाता है, इनहिबिट हो जाता है, वो कंडीशन इसमें बताई गई है। ये ग्जैंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर रहा है डायरेक्टली भी या उसको एलोक्सैंथिन में कन्वर्ट करके भी। ये यूरिक एसिड की प्लाज्मा में कंसनट्रेशन कम कर देता है, हाइपोक्सैंथिन ग्जैंथिन की कंसनट्रेशन को बढ़ा देता है, और तीनों मेटाबोलाइट जो है वो फिर यूरिन में एक्सक्रीट आउट होने लग जाते हैं।
हाइपोक्सैंथिन एक्सैंथिन के बढ़ने की वजह से फीडबैक इनहिबिशन हो जाता है डिनोवो प्यूरिन सिंथेसिस का भी, तो प्यूरिन भी नहीं बनेगा, यूरिक एसिड अपने आप नहीं बनेगा। फार्माकोकाइनेटिक ये एलोक्सैंथिन में लार्जली मेटाबोलाइज हो जाती है और क्रॉनिक एडमिनिस्ट्रेशन से इसका मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाता है। इंटरैक्शन 6MP एक कार्सिनोजेनिक एंटी कैंसरस ड्रग है एक्चुअली। 6MP 6 मेरा कैप्टोयूरिन एजोथायोप्रिन के साथ में, वारफरिन और थियोफाइलिन के साथ में इसका इंटरेक्शन होता है। कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन प्रोबनेसिड के साथ में भी इसका होता है। इंडिकेशन क्रॉनिक गाउट में दे सकते हो, फर्स्ट लाइन के ड्रग है, लॉन्ग ड्यूरेशन एक्शन दिखाता है, 100 mg पर डे दे सकते हो या 300 mg पर डे भी दे सकते हो, मैक्सिमम 600 दे सकते हो। पेशेंट को इसके साथ में खूब सारा पानी पीने के लिए आपको एडवाइस देना बहुत ज़रूरी है। एलोप्यूरिनॉल में ये सेकेंडरी हाइपर यूरिसीमिया में भी काम आती है। 6MP को पोटेंशिएट करने में या एजोथायोप्रिन को पोटेंशिएट करने में भी ये काम आती है। एडवर्स इफेक्ट में एक्यूट गाउट का अटैक स्टार्टिंग की थेरेपी में देखने को मिलता है, तो ऐसे कंडीशन में आप नेसल और कॉल्चिसन साथ में दे सकते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी कॉज हो जाती है इसकी वजह से, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम पहले भी आया था ये। कॉन्ट्रा इंडिकेशन गैस्ट्रिक इरिटेशन किसी को है, हेडेक, नोजिया, डिजीनेस है या लिवर डैमेज है तो ये मेडिसिन अपन नहीं दे सकते। नेक्स्ट है फेबुक्सोस्टेट, ये नॉन प्यूरिन एक्सो इनहिबिटर है, ये लिवर डैमेज कॉज करती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाती है, डायरिया, नोजिया, हेडेक कॉज कर देती है। यह एलोप्यूरिनॉल के ऑल्टरनेट के रूप में अपन ले सकते हैं, पर एलोप्यूरिनॉल के साथ में मिला के नहीं ली जाती, सिर्फ उसका ऑल्टरनेट है, मतलब उसकी जगह अपन ले सकते हैं। डोज 40 mg पर डे ले सकते हो, 40 से लेकर 80 mg तक, मैक्सिमम 120 mg पर डे ले सकते हो, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये पैगलॉक्टी केस बहुत अच्छे से बताया गया है कि पैग वर्ड लिया गया पैगाइलेटेड के द्वारा, और आइक और एज मतलब मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम, एज अपन एंजाइम के लगा रहे होते हैं ना, तो यूरिक एसिड का जो मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम है उसके लिए लेकर के ये नाम इसका दिया गया है। रिकॉम्बिनेंट यूरिकेज है ये यूरिक एसिड को एलोंटॉइन में ऑक्सीडाइज करती है, हाईली सॉल्यूबल है, मिथॉक्सी पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ में कपल करके कपल्ड होती है ये। रिफ्रैक्टरी सिम्पैटोमैटिक गाउट के अंदर दी जाती है, इंट्रावीनसली अपन हर 2 हफ्ते में दे सकते हैं। एडवर्स ड्रग इफेक्ट इसका क्या है, इन्फ्यूज़न रिएक्शन हो जाती है और एंटीबॉडीज़ का डेवलपमेंट करवा देगी। अब गाउट में नेसिड अगर आप दे रहे हो तो नेप्रोक्सिम, इंडोमेथासिन, डाइक्लोफेनिक, इटोरिकॉक्सिब दे सकते हो, ये बेटर टॉलरेटेड है कॉल्चिसिन के कंपैरिजन में। इसका यूज़ जो है वो एक्यूट गाउट के अटैक को टर्मिनेट कर देता है। फ्रीक्वेंट हाई डोजेस की दी जाती है, 12 से 24 घंटे तक इसका असर है। कंप्लीट रिजोल्यूशन इसका 5 से 10 दिन में होता है। एंटी गाउट दूसरे ड्रग्स का इफेक्ट जब तक डेवलप नहीं हो जाता तब तक अपन ये नेसल्स दे सकते हैं। कौन कौन से दे सकते हैं, नेप्रोक्सिम, इंडोमेथासिन, डाइक्लोफेनिक और इटोरोक्सिब, कितनी कितनी देनी है, दिन में 1 देनी है, 5 से 7 दिन तक देनी है, वो सब इसमें लिखा हुआ है। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ये टॉपिक अपन अलग से पढ़ेंगे भाई, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आप डिटेल में पढ़ेंगे। गाउट में दी जाती है, ये एक्यूट गाउट को सप्रेस कर देती है। इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन इसका लगाया जाता है। ट्राइमेसिनोलोन का अपन 10 से 30 mg अपन उसको दे सकते हैं, ये क्रिस्टल के प्रिपरेशन को होने नहीं देती, मतलब गाउट में राहत देती है। इंडिकेटेड व्हेन फ्यू जॉइंट्स आर इन्वॉल्व, ये हम तब भी देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड जब केवल कुछ जॉइंट्स में ही गाउट हुआ हो। नॉन टॉलरेटिंग दोज नॉट टॉलरेटिंग नेसल्स एंड कॉल्चिसन, या फिर जो नेसल कॉल्चिसन को टॉलरेट नहीं कर पाते उनमें अपन देते हैं। एक्यूट गाउट के सिम्टम्स को ये कम कर देती हैं। सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन भी अपन इसका ओरल रूट से भी कर सकते हैं। इंडिकेटेड फॉर पेशेंट्स विद रीनल फेलियर, पैप्टिक अल्सर, नॉन रिस्पॉन्डर्स, नॉट टॉलरेटिंग, उन पेशेंट्स में दी जाती है जो टॉलरेट नहीं कर पाते, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, पैप्टिक अल्सर जिनको, रीनल फेलियर जिनको हो। प्रिडनिसोलॉन 40 से 60 mg दे सकते हो, टैपर्ड करके 1 से 2 हफ्ते तक अपन इसको दे सकते हैं। कॉन्क्लूजन, नेसल्स हालांकि ड्रग ऑफ चॉइस है एक्यूट गाउट के ट्रीटमेंट के लिए, जैसे इंडोमेथासिन और नेप्रोक्सिम वगैरह, एलोप्यूरिनॉल ड्रग ऑफ चॉइस है क्रॉनिक गाउट के लिए। प्रोबनेसिड अपन पेशेंट्स को जिनमें रीनल इंपेयरमेंट है उनमें नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें इसके अलावा रीनल स्टोन भी किसी को है तो
या ये रीनल स्टोन कॉज कर देता है साथ में, तब भी अपने प्रोग्नोसिस नहीं दे सकते। तो इसके साथ आपका एक गाउट का टॉपिक खत्म। इतना सा टॉपिक था, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।